तो ये देखिए, आपको ये लड़की एक सर्कस दिखाएगी, तो तैयार हो आप सब? ये देखिए, ओए होए क्या जंप मारी है, देख लीजिए। थोड़ा डांस भी कर ले, मुझे डांस वगैरह नहीं आती। सर्कस दिखा दे थोड़ा, तुम ही डांस करो, मुझे नहीं आती। सर्कस दिखा दे, सर्कस दिखा दे, देखिए इसका एटीट्यूड देखिए, नाटक कर रही है। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कुछ अलग तरीके से आपके साथ वीडियो स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं अभी डायबिटीज़ चेक कराने जा रही हूँ। मतलब कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है बॉडी में, तो डॉक्टर ने बोला कि आप डायबिटीज़ टेस्ट कर लो। पता नहीं, आजकल बोल नहीं सकते ना कब क्या किसको हो जाए, तो इसलिए डायबिटीज़ टेस्ट कराने जा रहे हैं। तो ये टैबलेट मैं केमिस्ट वालों को पूछूंगी कि ये मैं और एक दो खा सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये पेट में फूड पॉइजनिंग के लिए डॉक्टर ने हमको दिया था, तो ये भी साथ ले चलते, तो देखते क्या होता है। अभी मेरे साथ चले केमिस्ट में, टेस्ट करा के आते हैं। रात के 7:30 बज ही गया था लगभग, मैं जिस टाइम मैं बैठी थी, मैं मम्मी के साथ जा रही थी, मम्मी और मैं। अब देख सकते हो अंधेरा हो गया है, तो आराम से इस समय बैठ के जा रही थी मैं। तो ये देखे केमिस्ट के शॉप में जा रहे हैं, पहुंच गए मतलब। तो यहाँ देखिए, केमिस्ट वाला बोल रहा है कि हाँ डायबिटीज़ चेक करा लो। मतलब कुछ दिन बार बार तो मतलब कुछ खाते हो तो पेट खाली हो जाता है, लेकिन बॉडी में नहीं लगता और कमज़ोरी चक्कर आता रहता है, तो इसीलिए केमिस्ट वाले बोला कि हाँ डायबिटीज़ चेक करा लो। तो 60 रुपीज़ में मैंने टेस्ट करवाया है। ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, मतलब छोटा सा सुई अंदर उंगली के अंदर घुसाया, फिर थोड़ा सा ब्लड लेके टेस्ट किया। मैं तो डर रही थी, भगवान को बोल रही थी कि भगवान बचा लो बचा लो, फिर देखा हाँ नॉर्मल है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से तो मैं स्वस्थ हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तुम्हारा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, लेकिन तुम चला करो, सुबह उठ के थोड़ा सा वॉक कर लिया करो। तो मैं बोलती हूँ हाँ सुबह उठ के तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन रोज़ नहीं करती, हफ्ते में एक दिन या दो दिन करती हूँ। तो ये देख सकते हो, मुझे लग रहा था कि हाँ मतलब दर्द होगा कि नहीं, क्योंकि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने चेक कराया है, तो ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। ये देखिए ब्लड निकल रहा है हाथ से, जो है आपके सामने ही है। तो मतलब नहीं है, भगवान की कृपा से सब नॉर्मल ही है, तो इसलिए मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ चलो ये सब तो खतरनाक बीमारी नहीं है। मतलब बुखार, पेट दर्द, ये वो तो नॉर्मल है, ये सब होने से आप मतलब बच सकते हो थोड़ा बहुत दवाई खा के, है ना। तो ये देखिए रास्ता, तो वहाँ से दुकान से हम बाहर आ गए थे और चल के थोड़ा सा जा रहे थे सामने, ये देख लीजिए पूरा मतलब खाली खाली है रास्ता। तो अभी हम रास्ते में, आप देख सकते हो मैं जा रही हूँ फुटपाथ पे चल चल के, अभी एक शॉप पे घुसेंगे, आप देखते जाओ। एक शॉप में गई थी गौमूत्र लाने, लेकिन उस शॉप पे नहीं मिला, तो फिर से हम बाहर आ गए। तो बाहर आके देखिए अंधेरा अंधेरा है जगह जगह पे, तो फिर हम घर आ गए चल चल के। तो देखिए दोस्तों, मैं घर आके ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया है, और अभी दो टैबलेट लाया है मैंने, आपको दिखाती हूँ, रुकिए। मतलब ये देखिए, ज़्यादा तो नहीं मिला, बस ये 3 मिला, तो 3 खा के ही देखते हैं, 2-3 दिन अगर थोड़ा बहुत तबीयत ठीक हो जाए, है ना, तो कुछ खा लेते हैं उसके बाद दवा लेंगे। तो अभी मैं रात का डिनर कर लिया है, थोड़ा दवाई खा लेते हैं। पता नहीं आजकल क्या हो गया, कोई भी टेबलेट वगैरह लेती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा उल्टी आ जाता है, मतलब मुंह में देते ही। तो इसमें एक था, ये तो मैं बाद में 3 लेके आई, लेकिन इसमें एक है, तो ये मैं खोल लेती हूँ। ये देखिए बापरे कितना बड़ा है यार, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, चलो इसको खा लेते हैं। दवाई खा लिया, आप देख सकते हो, और पता नहीं इस एज में मुझे इतना ज़्यादा बीमारी क्यों हो रहा है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर 50+ 60+ होता तो एक बात है, मेरा 25 अभी तक हुआ नहीं है, होगा मार्च में, क्योंकि मेरा मार्च में बर्थडे है,
तो अभी 25 का मार्च में होंगी, 24 चल रहा है, तो इतना मतलब इस एज में इतना ज़्यादा बीमारी, थैंक गॉड मुझे डायबिटीज़ वगैरह ये सब कुछ नहीं है, बस एक ही प्रॉब्लम है, बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते। कुछ दिन पहले मैंने खाया था ना मोमोज और पानी पूरी, वो खाने के बाद से मतलब पेट में ऐसा प्रॉब्लम शुरू हो गया, फूड पॉइजनिंग हो जाता है कुछ दिन बाद, कमज़ोरी, डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब क्या ही बोलूँ यार, अजीब सा ही पंगा चलता रहता है मेरी ज़िंदगी में मेरे बॉडी को लेके। और सुबह उठ के मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ काफ़ी ज़्यादा, मतलब बाहर का कभी कभी खाने का तो मन करेगा ही ना यार, लेकिन कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी अगर खा लूँ ना थोड़ा भी, एक अगर मोमोज एक पीस भी खा लूँ ख़त्म, मतलब एक दो हफ्ते के लिए तो पूरा कोई काम वाम नहीं कर सकती, कमज़ोरी, और अलग से डॉक्टर के पास जाओ, 2-3 हज़ार खर्चा करो और दवाई लाओ, उफ क्या बोलो, और गर्मी, बाप रे गर्मी तो और ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो अभी दरवाज़ा लॉक करके सिलाई के रूम में थोड़ा सा जाके बैठती हूँ, क्योंकि नींद भी नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, जस्ट दवाई खाई हूँ, दो, एक टैबलेट खाई हूँ जो पेट के लिए और दूसरा वाला खाई हूँ डाइजेस्ट के लिए, दो कैप्सूल टैबलेट खाया, कैप्सूल नहीं, और खाने के बाद उल्टी किया था, देखिए उल्टी मतलब थोड़ा बहुत उल्टी किया था, ज़्यादा नहीं, तो ये सब मैं थोड़ी ना वीडियो में शूट करूँगी, गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना, तो पता नहीं यार क्यों बीमारी नहीं छोड़ता है मुझे। तो अभी सिलाई के रूम में दरवाज़ा लॉक करके जाऊँगी, तो मैं सोच रही थी कि सिलाई के रूम में जाकर थोड़ा सा सिलाई वगैरह करूँ, लेकिन यार मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है, बहुत ज़्यादा चक्कर भी आ रहा है, तो क्या करूँ पता नहीं यार, बीमारी ख़त्म ही नहीं होता, थोड़ा सा चलती हूँ तो बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाता है, और कभी कभी मतलब ऐसा होता ना कि हाँ बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा है तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ, लेकिन यार कभी कभी ऐसा होता ना थोड़ा इधर से इधर चल के जाऊँ इतना मतलब सांस फूलने लगता है, बहुत ज़्यादा थकान सी लगती है, पता नहीं क्यों हो रहा है, और कितना दवाई खाओ, मतलब कुछ महीने बाद बाद डॉक्टर के पास जाओ कमज़ोरी के लिए, या पेट में कुछ फूड पॉइजनिंग हो गया ये वो, मतलब लगा ही रहता है यार मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ही जाने, समझ नहीं आ रहा, एक के बाद एक प्रॉब्लम, फिर बुखार आ जाता है, फिर कभी कभी पेट ख़राब हो जाता है, मतलब पेट में ही ज़्यादा दिक्कत है, फिर कुछ खाते डाइजेस्ट नहीं होता है, तो पता नहीं क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, इतना दवाई इतना दवाई, बाप रे शायद ही कोई इतना दवाई खाता होगा इतना कम उम्र में। तो आज मैं सिलाई नहीं करूँगी, इसलिए मैंने फिर से वीडियो कंटिन्यू किया है, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है, चक्कर भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आज सिलाई वगैरह नहीं करूँगी, खाना तो खा लिया, दवाई भी खा ली है, आज जल्दी खाना खा लिया, अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, मैं 8:30-9 बजे के बीच आज खाना खा लिया था, थोड़ा सा सोया तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो मैं सोचा थोड़ा सा वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँ, थोड़ा सा आपसे बातें कर लूँ, एक दो दिन में शायद ठीक भी हो जाओ, क्योंकि यार बहुत पैसा खर्च कर लिया यार, दौड़ा दौड़ी डॉक्टर के पास आना जाना। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, बाय।